हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे एक कागज का, पेपर का डायनासोर। आइए बनाते हैं। इसके लिए आपको एक ऐसा स्केयर साइज का पेपर चाहिए, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस स्केयर पेपर को सेंटर से फोल्ड करना है। ये आपने ऐसे सबसे पहले ऐसे फोल्ड करना है, बिल्कुल ये कॉर्नर आपके ज्वाइन होंगे इस तरह, ये ट्रायंगल शेप बन जाएगी। पूरा ऐसे आपने इसे फोल्ड करना है और उसके बाद इसे ओपन करेंगे तो आगे के जो फोल्ड है, आपने फर्स्ट फोल्ड आपने यहां पे देना है इसकी सेंटर वाली लाइन तक, और दूसरा फोल्ड भी आपने इसी साइड पे देना है, बिल्कुल इसे ज्वाइन करना आपने इस तरह। देखिए, फर्स्ट फोल्ड यहां पे और सेकंड फोल्ड यहां पे, और उसके बाद आपने इसे तो इसके बाद जब आप इसे ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, इसे फोल्ड करने के बाद इस पोर्शन को आपने ऐसे ऊपर की तरफ यूं फोल्ड करना है ऐसे। देखिए इस तरह। इसके बाद स्टेप है, ये फोल्ड आपने एक यहां पे देना है और एक फोल्ड आपने इसे यहां पे देना है। देखिए, फर्स्ट फोल्ड हमने यहां पे एक दिया, सेकंड फोल्ड हमने यहां पे दिया, और यहां पे आप कोई ग्लू लगा के या फेमिस्टिक यूज करके आप इसे यहां पे पेस्ट करेंगे ताकि ये हिले ना। तो हमने यहां पे फेमिस्टिक लगा के इसे ऐसे पेस्ट कर दिया है, और इसी तरह यहां पे भी फेमिस्टिक लगा के इसे यहां पे हमने ऐसे पेस्ट कर देना है। तो जब आपका पेपर इस तरह की शेप ले लेगा तो यहां से हमने कट लगाना है जहां से इसकी लेग्स बनेंगी। देखिए, यहां से ऐसे कट लगाना है हमने, और एक कट हमने यहां पे लगाना है ऐसे। उसके लिए आपको सीजर की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद यहां पे इसकी हमने टेल बनानी है। तो आइए यहां पे कट लगाते हैं। एक कट हमने यहां से ऐसे लगाना है और एक कट हमने यहां से ऐसे लगाना है, ये कट होगा, और दूसरा कट आपने यहां से ऐसे सीधा एक ट्रायंगल शेप में लगाना है। तो इस तरह आपने इसे कट कर देना है। सेकंड कट आपने यहां पे लगाना है ऐसे, और एक यहां पे, और इस पोर्शन को भी आपने ऐसे कट कर देना है। ये कट करने के बाद आपने इसकी एक टेल बनानी है। तो आइए अब इसकी एक टेल बनाते हैं। तो इस तरह हमने एक कट यहां लगाया है, एक यहां पे, तो अब इसकी टेल बनानी है हमने। टेल बनाने के लिए आपने इस पोर्शन को पहले ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है ऐसे, और उसके बाद आपने इसे ऐसे बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। तो इस तरह ये डायनासोर की टेल की शेप ले लेगा। ये देखिए कैसे बनाई है। पहले इसे अंदर को ऐसे फोल्ड कर लेना आपने, और उसके बाद ये थोड़ा सा पोर्शन आपने इसे बाहर की तरफ ऐसे निकाल के फोल्ड करना है। तो ये डायनासोर की टेल की यानी उसकी पूंछ की शेप ले लेगा। और यहाँ पे हम एक आई चिपकाएंगे अब, ताकि ये डायनासोर की आई बन जाए यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसकी आई बना दी। आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर कोई छोटा वेस्ट पेपर किसी डिफरेंट कलर का, उसे काट के भी आप इसकी आई ऐसे बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी मार्कर के साथ मार्किंग करेंगे ताकि इसकी आई अच्छी लगे। तो दोस्तों, इस तरह हमारा जो ये डायनासोर है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह आप अलग अलग पेपर्स का डायनासोर बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे डायनासोर कंप्लीट हो गए हैं। हमने एक छोटा डायनासोर बनाया है, एक बड़ा। तो इस तरह आप अलग अलग पेपर के कलर के साथ आप ये डायनासोर बना सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। पांच मिनट।